नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद देव में एक बार फिर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन आर्मी के रैंक्स के बारे में। इंडियन आर्मी के रैंक किस कितने होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग आप में से इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर या जवान बनना चाहते हैं तो उसके रैंक्स का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे ऊपर का रैंक, जो कि 5-स्टार रैंक है, जिसे कहते हैं फील्ड मार्शल। क्योंकि इंडिया में अभी तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, जनरल सैम मानेकशॉ एंड जनरल KM करियप्पा। उसके बाद आता है 4-स्टार जनरल, जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहते हैं, जो आज है MM नरवाने सर। इसमें शोल्डर के ऊपर क्रॉस बैटन, स्टार और नेशनल एम्बलम लगाया जाता है। फिर आते हैं 3-स्टार जनरल, जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल भी कहा जाता है। इसमें शोल्डर के ऊपर क्रॉस बैटन और नेशनल एम्बलम होता है। 3-स्टार जनरल भारतीय सेना की अलग अलग कमांड संभालते हैं, और जो अपने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका रैंक भी लेफ्टिनेंट जनरल। फिर आते हैं ऊपर से तीसरे नंबर पर 2-स्टार जनरल, जिन्हें मेजर जनरल भी कहा जाता है। मेजर जनरल बनने के लिए आपको 28 साल की सर्विस आर्मी में पूरी करनी पड़ती है। इनके शोल्डर के ऊपर एक क्रॉस बैटन और स्टार बना होता है। नंबर 4 पर आते हैं ब्रिगेडियर, जिन्हें जो कि 1-स्टार जनरल भी होते हैं, और ब्रिगेडियर रैंक तक पहुंचने के लिए 25 साल की सर्विस इंडियन आर्मी में कंपलसरी है। और ब्रिगेडियर का जो इंसिग्निया होता है शोल्डर के ऊपर, वो होते हैं 3-स्टार और नेशनल एम्बलम। फील्ड रैंक्स में सबसे ऊपर से 5वें नंबर पे, और फील्ड रैंक में सबसे टॉप रैंक होता है ब्रिगेडियर के बाद कर्नल। कर्नल में शोल्डर के ऊपर 2-स्टार और नेशनल एम्बलम बना होता है। कर्नल रैंक तक आपको पहुंचने के लिए मिनिमम 15 साल की सर्विस आर्मी में करनी पड़ती है। उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए आपको आर्मी में मिनिमम 13 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट करनी पड़ती है, तब आप एलिजिबल होते हो। लेफ्टिनेंट कर्नल का इंसिग्निया या शोल्डर पे जो होता है वो 1-स्टार विद नेशनल एम्बलम। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आता है मेजर, जिसका शोल्डर मार्क होता है नेशनल एम्बलम। यहाँ से आपकी थोड़ी सीनियरिटी की शुरुआत होने लगती है, और आर्मी में 6 साल की सर्विस पूरा होने के बाद आप मेजर रैंक पे जा सकते हैं। फिर आता है कैप्टन रैंक। कैप्टन रैंक में आपके शोल्डर के ऊपर 3-स्टार होते हैं, और ये कमीशन होने के 2 साल बाद आप कैप्टन रैंक के ऊपर पहुंच सकते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स की कैटेगरी में सबसे लास्ट रैंक आता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट रैंक में आपके शोल्डर के ऊपर 2-स्टार होते हैं, और जैसे ही आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं आप सबसे पहले लेफ्टिनेंट रैंक के ऊपर ज्वाइन करते हैं। अब बात करते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में 3 रैंक होते हैं। उनमें सबसे पहले होते हैं सूबेदार मेजर। इनका जो शोल्डर मार्क होता है, इंसिग्निया होता है, वो होता है लाल और पीले रंग की एक पट्टी और अशोक स्तंभ। उसके बाद आते हैं सूबेदार। सूबेदार रैंक में 2-स्टार और एक लाल और पीले कलर की पट्टी होती है। उसके बाद आते हैं नायब सूबेदार में 1-स्टार और एक लाल और पीले रंग की पट्टी होती है। फिर हम बात करते हैं अदर रैंक्स की। अदर रैंक्स में भी 3 कैटेगरी होती है, जिसमें सबसे ऊपर होते हैं हवलदार। हवलदार में 3 स्ट्रिप्स होती हैं जो बाजू के ऊपर लगाई जाती हैं। उसके बाद आते हैं नायक। नायक में 2 स्ट्रिप वी शेप स्ट्रिप्स होती हैं। फिर आते हैं लांस नायक। लांस नायक में 1 सिंगल स्ट्रिप होती है। और सबसे लास्ट जो अदर रैंक है उसको बोला जाता है सिपाही रैंक। सिपाही रैंक जब आप 10th और 12th के बाद जब आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तब आपको सिपाही रैंक मिलता है। तो ये था हमारा रैंक्स इंडियन आर्मी का। अगले वीडियोस में हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के रैंक्स के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।